हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं पूनम आपके लिए लाई हूँ एक और रेसिपी। ओकेशन कोई भी हो, खाने में पसंद सबकी एक। मैं बात कर रही हूँ छोले भटूरे की। छोले भटूरे में छोले का स्वाद स्वादिष्ट होना जरूरी है, उतना ही भटूरे का फूले फूले होना। तो आज हम आपको बताएंगे मार्केट जैसे फूले फूले भटूरे को बनाना, जो कि हमारे छोले में चार चांद लगाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। छोला बनाने के लिए हमने 250 ग्राम काबुली चना लिया है, जिसे हमने रात भर भिगोकर फूलने के लिए रख दिया था। और इन फूले हुए काबुली चने को कुकर में एक चम्मच हल्दी और नमक डालकर दो सीटी लगाना है। जब तक हमारे काबुली चना कुकर में ठंडे होते हैं, तब तक हम अपने भटूरे के लिए डो बना लेते हैं। हमने भटूरे बनाने के लिए एक बड़ी कटोरी मैदा, एक छोटी कटोरी गेहूं का आटा, एक छोटी कटोरी सूजी और आधी कटोरी दही, नमक स्वाद अनुसार और दो बड़ी चम्मच तेल लेना है। अब इन्हें पहले अच्छे से मिला लेना है। जब ये आपस में अच्छे से मिल जाए, तब इन्हें हमें थोड़ा थोड़ा पानी देके गूंथना है। अभी अच्छे से मिल चुके हैं, अब पानी देके इन्हें हम गूंथेंगे। मार्केट वाले भटूरे में पूरा मैदा ही लेते हैं। हमने भटूरे में गेहूं का आटा भी लिया है, जिससे भटूरे हल्के ठंडे होने पर भी आसानी से खाए जा सकते हैं। भटूरे के आटे को कुछ ज्यादा समय के लिए गूंथें, जिससे हमारा डो सॉफ्ट बने और अच्छे से फूले। भटूरे का आटा रेडी हो चुका है, अब इन्हें कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम छोले बनाएंगे। अब हमारे काबुली चने भी उबल के ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए अब हम बनाते हैं छोले। गर्म पैन में हमने दो बड़ी चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने पे हमने एक टीस्पून जीरा, दो तेज पत्ता और दो छोटी इलायची देके इन्हें थोड़ी देर तेल में पका लिया है, ताकि तेल में इनका स्वाद अच्छे से आ जाए। एक कटोरी बारीक कटे हुए प्याज, प्याज को मध्यम आंच पे भूनना है, जब तक कि प्याज आधा पक ना जाए और सुनहरा रंग का ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे तकरीबन दो बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन्हें हमें 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है, जिससे कि लहसुन अदरक का कच्चापन भी हट जाए और साथ ही साथ ऑयल भी सेपरेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम दो बड़े टमाटर को अब पेस्ट डालेंगे। हमने टमाटर पेस्ट बनाने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल ना करके हैंड चॉपर का इस्तेमाल किया है। तीन से चार मिनट के टमाटर को इनमें अच्छे से भून लेना है, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर अच्छे से प्याज और लहसुन अदरक पेस्ट के साथ पक गए हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। स्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक से डेढ़ टीस्पून मिर्च पाउडर। इन सूखे मसाले को अच्छे से इसमें भूने, ताकि इन सूखे मसालों का कच्चापन अच्छे से निकल जाए। अब इन मसालों में एक टीस्पून गरम मसाला और दो टीस्पून छोले मसाले डाल के अच्छे से भूने और नमक स्वाद अनुसार। इन मसालों को कुछ समय के लिए अच्छे से भूने और साथ में कुछ देर के लिए ढक के भी पकाएं।
अब आप देख सकते हैं कि ढक के पकाने से हमारे मसाले कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें हमारे उबले हुए काबुली चना। काबुली चने को मसाले के साथ अच्छे से मिला लें। ग्रेवी के लिए इसमें पानी ज्यादा ना डालें क्योंकि हमें ग्रेवी हल्की गाढ़ी रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी मात्रा में कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 से 7 मिनट ढक के पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे छोले का रंग कितना सुंदर दिख रहा है। और ऊपर से बारीक कटे हुए धनिया पत्ती। अब ये छोले सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे छोले बनके तो तैयार हो चुके हैं। अब हमें बनाने हैं भटूरे। हमने भटूरे के डो को जो ढक के रखा है उसको काफी समय हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डो कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इन डो के छोटे छोटे पेड़े बना के बेल लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट दें ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो यूं ही लाते रहें। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुके हैं। अब इन्हें हम भटूरे को छानते हैं। भटूरे छानते समय इस बात का ध्यान दें कि आप गैस के फ्लेम हाई हो। अब आप देख सकते हैं कि हमारे भटूरे कितने फूले फूले से हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी साइज के छोटे बड़े बना सकते हैं। हमने उसे छोटे साइज के ही बनाए हैं। तो चलिए अब हम इन छोले भटूरे को सर्व करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।